जो आपका टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट को सीखते हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक किए हैं, अर्थात उसको मैच भी करिए और उसने कहाँ गलतियां की हैं उसको आप क्या करिए, इम्प्रूव करिए। ओके, देखिए आपका लिखा गया पहला सेंटेंस कहा गया था, ठीक है, सॉल्व एज गिवन इनटू ब्रैकेट, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको जैसे ब्रैकेट में दिया गया है तो आपका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपके बोर्ड के एग्जाम में वैसे पूछा जाता है या कहीं भी एग्जाम में, मतलब जहां सेंटेंस अरेंजमेंट करने के ले आता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया गुआवा, फिर लिखा गया गिवन, इसके बाद लिखा गया इज अ मी, ठीक है, फिर लिखा गया क्या माय मदर, ठीक, टू बाय, ये आपका सेंटेंस था। इसको क्या करना था, अरेंज करना था। आप ध्यान से देखिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं एक चीज, इज लगा है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। यहां पर टू अतिरिक्त भी दिया हुआ है, ये आपको सारा दिमाग में यूज करना है। इसके बाद इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस, हमारा ऑब्जेक्ट देखिए पहले दिया हुआ। अब हमने लिखा क्या, ठीक, ए लगा लीजिए, गुआवा चूंकि सिंगुलर में है हमने एक आर्टिकल यहां पर लगा लिया, लिखा गया गुआवा, इसके बाद क्या हो गया इज सिंगुलर वर्ब है, यहां पर लिखा गया क्या गिवन। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू लगा लिए, क्या हो गया टू मी, इसके बाद क्या आ गया बाय माय मदर। इसको हमको कई बार क्या करना पड़ता, प्रयास करने के बाद फिर वो इंप्रूव होता है। ओके, अगला लिखा गया, देखिए लिखा है सी कॉट अ फिश, दूसरा सेंटेंस था सी कॉट अ फिश, कोई दिक्कत नहीं, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना था। निगेटिव में आपको सबसे पहले टेंस पहचाननी है, देखिए क्या है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका निगेटिव इस रूप में होगा सी डिड नॉट, कार्ड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा कैच, क्या हो गया कैच, सी डिड नॉट कैच अ फिश, क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, इसी का प्लूरल में मतलब पैसे अगर चेंज करना होता तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा ए फिश, यहां पर लिखा जाता वाज लिखा जाता, ये टेस्ट में पूछा नहीं गया था, आपको बता दे रहे हैं, वाज कॉट बाय हर, आपका पैसू बन गया। इसका पैसू वाइज चेंज करना है, हमने लिखा क्या अ फिश वाज नॉट कॉट बाय हर, क्लियर हो गया, आपका ये पैसू चेंज हो गया। तीसरा सेंटेंस है, मान लीजिए हमने लिया ए कैन सॉल्व इट इंटू अ मिनट, ये देखिए मॉडल वर्ब दिया गया, ही कैन सॉल्व इट इंटू अ मिनट, क्लियर हो गया, ये पैसे में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसे में चेंज करने के लिए देखिए इट ऑब्जेक्ट है, आपने आसानी से यहां पर लिया इट, कैन मॉडल है, कैन लगा दिया, इसके साथ इट कैन भी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इट कैन बी सॉल्व इन टू अ मिनट बाय हिम, सिंपल सा सेंटेंस है, आपका किसमें चेंज हो गया, पैसे में चेंज हो गया। अगला लिखा गया सी विल से टू मी, सी विल से टू मी, कॉमा वेट कमा आई एम, अब देखिए इसी गलती की बात करते हैं हम, क्या होता है कभी कभी एक्सरसाइज देते समय गलत हो जाता है तो उसको आपको इंप्रूव कर लेना चाहिए या सॉल्व करते समय। हमने बताया आई एम लिखा गया, आई लिखा गया, देखिए यहां पर लिव लिखा गया ना, अब लिव गलत हो जाए, आई एम के साथ आई एन जी फॉर्म लेता है, इसको चेंज कर लिया, क्या हो गया आई एम आई लिविंग विथ यू, इंट्रोगेशन मार्क हो गया, क्या मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। अब क्या करने हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, अब आपने यहां पर लिखा सी, यहां पर विल भी हो गया, से को चेंज किया गया किसमें, आस्क में,
शी विल आस्क मी. अब यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इफ का प्रयोग करेंगे. देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा? सी के अनुसार. इफ से यहां पर आई एम है ना, आई के अनुसार, लेकिन ये हमारा फ्यूचर टेंस में है. यहां सी के अनुसार यहां पर किसका हो गया? इफ सी इज लिविंग विथ यू. देखिए सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार. यहां पे क्या हो जाएगा? लिविंग विथ मी, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हटा करके इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इंट्रोगेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव को हम किस में चेंज करते हैं? एसर्टिव में चेंज करते हैं. ये तो आपका आसान था, चार सेंटेंस आपको दे दिया गया. इसको आपको समझना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव रिगार्डिंग को यहाँ पर आस्क लगाया गया. ये फ्यूचर टेंस था, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज किया गया. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करते हैं. अब इतना समय आ गया. चलिए अब लिखा गया दो दिन से बारिश हो रही है. एक यूज आपको दे दिया गया कि दो दिन से बारिश हो रही है. चलिए हम यहां पर ट्रांसलेशन बता देते हैं, जिससे आप लोगों को लिखने में आसान हो जाए. दो दिन से बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं. अब आपको देखिए हो रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन समय दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बारिश का समय दिया इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इट का प्रयोग होगा. इट हैज बीन लिखा गया रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर टू डेज. आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया, ये आपने ट्रांसलेशन कर लिया. अगर आप हर सैटरडे का टेस्ट इंक्लूड करते हैं, अपने टेस्ट कॉपी में रखते हैं, तो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए अतिरिक्त किसी ना गाइड की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी इंपॉर्टेंट नोट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और ऐसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. ओके.